स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का जो आर्थिक इतिहास है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है हमारी, उससे क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि जो हमारे भूमि बंदोबस्त हुए हैं, रैयतवाड़ी हो, मालवाड़ी हो, इस्तमलारी, जो भी भूमि बंदोबस्त हुए हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन सबको कवर करना है। सबसे पहले यदि हम बात करें आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में, जो ब्रिटिश पूर्व, यानी कि जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में भारत आ चुके थे, उससे पहले की यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति कैसी थी। भारत एक कृषि प्रधान और आत्मनिर्भर देश था। भारत कृषि पर निर्भर था और कृषि प्रधान आत्मनिर्भर देश था, तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश आए भारत में, तब ब्रिटिश उपनिवेश के चरण शुरू हुए, यानी कि स्टेप बाई स्टेप इन्होंने जो है कुछ काम किए हैं। जब भारत ब्रिटिशों का गुलाम हुआ तो ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत आ गया, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हुए, जिसमें यदि हम प्रथम चरण की बात करें तो 1757 से 1813 का टाइम पीरियड रहता है, जिसके अंतर्गत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन, यानी कि दो तरीका का शासन लागू किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव, कब शासन लगाया इन्होंने? 1765 में, द्वैध शासन 1765 में। इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो जो वारेन हेस्टिंग था 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, गवर्नर और ये जो व्यक्ति हैं, और सन 1765 में लगा था, 1772 में ख़त्म, यानी कि 7-2 में हेस्टिंग ने साथ दिया कि द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया जाए। इस द्वैध शासन के टाइम पीरियड को, इस द्वैध शासन को, या हम बोले कि इस प्रथम चरण को, जो प्रथम चरण रहा है, उस प्रथम चरण को धन लूट का काल कहा गया है, कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिटिशों के द्वारा धन को लूटा गया। जबकि जो द्वैध शासन रहा, उसमें केएम पाणिग्रंड ने बोला है कि इसको एक डाकू राज्य की संज्ञा दी जाए। केएम पाणिग्रंड ने क्या बोला है? डाकू राज्य की संज्ञा दी है। यदि आपसे कोटेशन में क्वेश्चन पूछे, किस इतिहासकार के द्वारा द्वैध शासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी गई है, तो आप आंसर मारोगे केएम पाणिग्रंड। द्वैध शासन कब से कब तक रहा? 1765 से 1772 तक, यानी कि पूरे 7 साल चला था द्वैध शासन। धन लूट की संज्ञा किसको दी गई है? प्रथम चरण को। फिर इनके बाद जो द्वितीय चरण चला, 1813 से 1858 का टाइम पीरियड रहा है, जिसमें ब्रिटिशों ने शासन किया है। इस टाइम पीरियड को औद्योगिक पूंजीवाद की श्रेणी में रखा गया, किसमें? उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया गया, और जो मुक्त व्यापार है उनमें छूट दे दी गई, मुक्त व्यापार की छूट दी गई, लेकिन चीन के साथ चाय छोड़कर, चाय के लिए मुक्त व्यापार नहीं था, बाकी सब में मुक्त व्यापार की जो है छूट दे दी गई थी। किस चरण में? द्वितीय चरण में। तो औद्योगिक चरण रहा है 1813 से लेके 1858 तक के टाइम पीरियड तक का, यानी कि 1813 का जो चार्टर लगा था उससे लेकर 1858 के भारत परिषद अधिनियम तक। जब तीसरा चरण चला, तो भारत परिषद अधिनियम 1858 से लेके भारत की आज़ादी तक तीसरा चरण चला। इस चरण में ब्रिटिशों के द्वारा पूंजी निवेश की व्यवस्था अपनाई गई, पूंजी निवेश का जो है एक झांसा दिया गया कि आप रेल, बागान, बैंक सभी में पूंजी का निवेश कीजिए, और इस शर्त के साथ पूंजी निवेश कीजिए, यदि आपको घाटा भी हुआ तब भी हम आपको 5% पैसा बढ़ाकर ही लौटाएंगे, यानी कि आपको जितना भी लगाओगे आपको 5% एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से ब्रिटिशों के द्वारा पूंजी का निवेश कराया गया। ब्रिटिश उपनिवेश का अधिकतर प्रभाव नकारात्मक देखा गया, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ हद तक सकारात्मक दिखाया गया, कि जो रेल, बागान, बैंक वगैरह कुछ व्यवस्थाएँ भारत के लिए सकारात्मक थी, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम इस हिसाब से यदि हम चरण वाइज देखें तो इन्होंने लूटा ही है देश को और कुछ नहीं किया है। और इन्हीं के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी, ब्रिटिशों की भू राजस्व व्यवस्था, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से जो तीन टाइप की भू राजस्व व्यवस्था है, किसने शुरू की, कब, किस क्षेत्र में थी, और उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे हम पहले बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था में, जिसको हम स्थाई, रई, इस्तमरारी और जमींदारी, तीनों नाम एक ही भूमि बंदोबस्त के हैं। पहले तो आपको यही अच्छे से याद करना है, स्थाई, इस्तमरारी और जमींदारी, ये एक व्यवस्था है, भूमि की व्यवस्था है, जिसको लागू करने वाला व्यक्ति कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसको लागू किया गया था। इस्तमरारी, जमींदारी, स्थाई, बड़ी ई की मात्रा वाले सारे के सारे, इसको पहले तो आप ऐसे ही याद करें, स्थाई ई, जमींदारी है ना, इसको जमींदारी, इस्तमरारी इसी को बोलते हैं। किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया? 1793 में।
कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 1793 जाते जाते समय इसको लागू करके गया। क्षेत्र कौन सा था? तो कॉर्नवालिस उस टाइम, यदि आप भारत के मैप में देखें, तो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, जिसको पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं, इस पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक ही जगह आते थे। तो इस पूर्वी क्षेत्र में कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इस स्थायी इस्तमरारी जमींदारी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। अब इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसमें सरकार के पास जो टैक्स आता था, व्यवस्था थी, भू राजस्व आता था, सरकार 11 में से 10 हिस्से अपने पास रखती थी और जमींदार के पास केवल 11 में से एक हिस्सा रहता था। इस व्यवस्था को पूर्वी क्षेत्र में 19% पर लागू किया गया था। तो कितने परसेंट पे थी ये व्यवस्था? 19% पर लागू थी। इस व्यवस्था में जो जमीन का मालिक था वो जमींदार कहलाता था, जमींदार कहलाता था, और सरकार डायरेक्ट जमींदार से ही टैक्स वसूलती थी। यानी कि जमींदार को 11 हिस्से में से एक हिस्सा देती थी और 10 हिस्से सरकार अपने आप रख लेती थी। तो ये व्यवस्था शुरू थी। जमीन का मालिक कौन होता था? ये पूछा जा चुका है आपका, जमींदार होता था। यानी कि आपसे पूछे, जमींदार भूमि बंदोबस्त में जमीन का जो मालिक होता था कौन होता था? तो जमींदार होता था, ये ध्यान रहेगा। तो जमींदारी भूमि व्यवस्था हो गई, जमीन का मालिक जमींदार होगा। अब इसी में ही सूर्यास्त का कानून लगता था। सूर्यास्त का कानून क्या था? यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो, उससे पहले पहले यदि जमींदार ने टैक्स नहीं दिया तो उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था। उसको बोलते थे सूर्यास्त का कानून। तो सूर्यास्त का कानून किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित था? स्थाई बोलो आप, इस्तमरारी बोलो या जमींदारी बोलो, ये इसका सारा सीक्वेंस है। स्थाई बंदोबस्त जन्मदाता कॉर्नवालिस 1793 में पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र 19% भाग पर लागू, 10% गवर्नमेंट रख लेगी, 1% किसको मिलेगा? जमींदार को। उसके बाद नेक्स्ट रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त रैयत किसान को बोला जाता था। यानी कि वहाँ टैक्स जमींदार भरेगा और यहाँ जो टैक्स है वो किसान भरेगा। इसको लागू करने वाला जो असम वाला क्षेत्र था, 1792 में कर्नल रीड ने लागू किया इसको। 1820 में मद्रास के क्षेत्र में मुंडो ने लागू किया, और मुंबई में लागू करने वाला व्यक्ति था एल्फिस्टन। एल्फिस्टन, दोबारा से रीड करेंगे, देखो, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी रीड ने लागू की। तो रीड ने लागू की असम में, रीडिंग आसान बात नहीं है। तो असम में 1792, 1793 में ऊपर लागू हुई है, किसने की है? कॉर्नवालिस ने 1792 में, कर्नल रीड। 1820 में मुंडो मद्रास, मुंडो मद्रास, एल्फिस्टन मुंबई, एल्फिस्टन मुंबई। तो यहाँ तक तो ये आपको तीनों कवर हो गए। अब इसकी विशेषता क्या थी? किसानों से सीधे लगान वसूला जाएगा, क्योंकि रैयत किसे बोलते थे? किसान को। भू राजस्व का जो है इस पे 1/2 हिस्सा वसूला जाएगा, यानी कि आधा आधा हिस्सा किसान से डायरेक्ट ले लेगी। 51% पर लागू थी। यदि आपसे पूछे भारत में ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कौन से वाली लागू थी? रैयत वाड़ी। कितने परसेंट पर? 51% पर। जो इससे ऊपर वाली पढ़ी है वो आपने इस्तमरारी वाली रैयत, वो जो पढ़ी है आपने स्थाई, वो 19% पर। 19 पर ये, 51 पर ये, बाकी बचेगी 30% पर महलवाड़ी। तो महलवाड़ी में क्या होता था? महलवाड़ी गांव को बोलते थे महल। तो महल पूरे गांव से जो राजस्व वसूला जाएगा वो किस में वसूला जाता था? महलवाड़ी में। ये मैकेंजी, महलवाड़ी को किसने लागू किया? ऑल्ट मैकेंजी ने और मार्टिन बर्ट ने। मैकेंजी और बर्ट, महल, देखो महल बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, मैकेंजी बर्ट, मैकेंजी बर्ट ने कब? 1819 में। 1819 में ये कहाँ लागू थी? पंजाब वाला क्षेत्र, मध्य प्रांत वाला क्षेत्र और पश्चिम यूपी, यानी कि उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र। यदि आप भारत के मैप में देखें तो इसका डिवाइडेशन करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है इस वाले इलाके में कौन सी व्यवस्था लागू थी? महलवाड़ी। यानी कि पूरे गांव से लगान वसूला जाता था, पूरे गांव से लगान वसूला जाएगा। प्रारंभ में ये 2/3 लगान लगाते थे, और बाद में ये 1/2 हो गया, और कितने परसेंट पर लागू थी? 30% पर। तो सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी 51% पर, जो स्थाई था वो 19% पर, और जो आपकी महलवाड़ी है ये 30% पर लागू थी। कृषि का वाणिज्यकरण से, वाणिज्यकरण से आप क्या समझते हैं? बाजार अनुरूप खेती करना, जूट कपास नील की खेती को बढ़ावा देना,
ये इसको वाणिज्यीकरण कहलाता है, यानी कि जिसमें गेहूं चावल जो मुख्य फसल है उसकी खेती ना की जाए बल्कि बेचने के पर्पज से कृषि की जाए, तो कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। बाजार के अनुरूप खेती करना, बाजार में किस चीज़ की डिमांड चल रही है। तो ब्रिटिशों को उस टाइम जूट, कपास, नील की खेती करने को बढ़ावा देते थे ताकि इनसे उनको लाभ मिल सके। धन का जो निष्कासन सिद्धांत है, ड्रेन थ्योरी है, इसके बारे में ब्रिटिशों की इस नीतियों के बारे में ड्रेन धन का निष्कासन सिद्धांत दिया है, वो दिया है दादा भाई नौरोजी ने। प्लासी के युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ धन का निष्कासन सिद्धांत कब से स्टार्ट हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, भारतीय धन का ब्रिटेन जाना और बदले में भारत को कुछ ना मिलना, वही धन का निष्कासन था। यानी कि धन को भारत से तो निकाला जा रहा है लेकिन भारत को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले इसको उजागर करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने 1867 में इंग्लैंड की एक डेब्ट टू इंडिया लेख है, उस लेख में इसका पहली बार उल्लेख किया था। तो उजागर कब किया? 1867 में दादा भाई नौरोजी ने। द ग्रेट ओल्ड मैन भारत के कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। पहली बार सिद्धांत किस में दिया? तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख में दिया। कब? 1867 में। दादा भाई नौरोजी की नेक्स्ट पुस्तक आती है फिर तब, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विस्तृत रूप से धन निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? तो द पॉवर्टी में दिया है धन निष्कासन। पॉवर्टी गरीब से है तो गरीब को क्या चाहिए? धन। तो धन निष्कासन का सिद्धांत द पॉवर्टी वाली पुस्तक में किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना भी किसने की थी? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने। 20 रुपये प्रति वर्ष थी तब 1867 में। देखो आप, 20 रुपये प्रति वर्ष इतनी प्रति व्यक्ति आय थी भारत की। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेख भी किसने लिखा था? आरसी दत्त ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेख लिखा था आरसी दत्त ने। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया तो दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में? 1896 में। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। वी औद्योगिकरण किसे बोलते हैं? देखो, वी मतलब विशेष, उल्टा कर देना, औद्योगिकरण हो रहा है और उसके अपोजिट जो काम हो वी औद्योगिकरण, उद्योगों का पतन हो जाना और उनके स्थान पर नई उद्योग की स्थापना ना होना, वही क्या कहलाता है? वी औद्योगिकरण। डेनियल ड्रेफो की पुस्तक है एक, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो, इस पुस्तक में उजागर किया गया कि भारतीय कपड़े इंग्लैंड में भर गए थे। यानी कि भारत में उस टाइम इतना उत्पादन होता था, भारतीय उद्योग बहुत अच्छे पैमाने पर था कि इंग्लैंड में भी भारत के कपड़े भर गए थे। शहर में जो भारत के उद्योग थे वो विदेशों में बेचने के लिए निर्माण करते थे और ग्रामीण वाले यहाँ के उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते थे। यानी कि कृषि डायरेक्ट उद्योग पर डिपेंड थी, दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चलते थे। लेकिन आगे चलकर ब्रिटिशों के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसके कारण भारतीय उद्योग पतन होते चले गए। पतन होने के कारण क्या रहे? भारत को संरक्षक नहीं मिले अपने उद्योग के, अपने कार्य के, खरीदारों का पतन होना शुरू हो गया तो भारत के उद्योग भी पतन हो गए। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय वस्तु पर अधिक कर क्या कर दिया गया? अधिक कर लगाया गया, यानी कि संरक्षण की नीति अपनाई गई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को तो जो है कम टैक्स पर रखा और भारत के टैक्स वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगा दिया ताकि वस्तु महंगी हो जाए और उन भारतीय वस्तुओं को ना खरीदा जाए, केवल ब्रिटेन की खरीदा जाए। औद्योगिक क्रांति, तो यदि आपसे पूछे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई तो ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। भारत कच्चे माल का उत्पादक तो बन गया और तैयार माल का बाजार बन गया, औद्योगिक क्रांति का यह कारण ना, और भारतीय उद्योग पतन की ओर चले गए। यानी कि भारत के कच्चे माल उत्पादन करता था और ये लोग खरीदते थे और जब तैयार हो जाता था माल तब फिर उसे भारत में ही लाकर बेचते थे, तो भारत में गरीबी भी बढ़ने लगी। इनके द्वारा एक ददनी प्रथा चलाई गई। इंपॉर्टेंट है, ददनी प्रथा किसके द्वारा चली गई थी? ब्रिटेन के द्वारा। ये क्या करते थे? उत्पादकों को उत्पादन की अग्रिम राशि दे दी जाती थी पहले ही। यानी कि यदि कोई किसान है तो वो किसान यदि अपने खेत में कोई भी फसल उगाना चाह रहा है तो उसको पहले ही पैसा देते थे कि जब आपके खेत में कुछ भी पैदा होगा तो आप हमें देंगे। और इंग्लैंड वाले उसे लेकर अपने देश में जाते थे, वहाँ से उसे तैयार करा के अपने लोगों को रोजगार देकर फिर भारत में बेचने आते थे। तो इसमें जो भारत के किसान मध्यवर्ग था, उद्योग क्षेत्र था, वो पतन की ओर चलता चला गया, तो उसी को बोलते थे ददनी प्रथा। सिंथेटिक रंगों का ज़्यादा प्रयोग करने लगे जिससे भारतीय वस्त्रों की डिमांड कम होने लगी। मशीनों का ज़्यादा उपयोग होने लगा और भारतीय उद्योग पतन की ओर चलते चले गए। परिणाम ये हुआ कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी फैलने लगी
उद्योग क्षेत्र के लोग कृषि क्षेत्र में लग जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर पैसा पहले ही दे दिया जाता था ददनी प्रथा के चक्कर में। हस्तशिल्प समाप्त होता चला गया। तो इस प्रकार ये भारत का जो आर्थिक इतिहास था वो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।